UFO यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जिन्हें आम भाषा में उड़न दस्तरी भी कहा जाता है, इनके अस्तित्व में होने का लोग भरोसा रखते हैं और छतों पर लोग टेलीस्कोप लगाकर आसमान की तरफ देखते हुए ये उम्मीद करते हैं कि शायद उड़न दस्तरी होती हैं और शायद हमें भी दिखें। और इसी दिवस को इनकी प्रेजेंस को समझने के लिए 2001 में संगठन विश्व UFO दिवस संगठन ने इस दिन को मनाने का फैसला किया, यानी कि 2 जुलाई 2001 को पहली बार UFO डे सेलिब्रेट किया गया। जिन लोगों को इन चीज़ों में दिलचस्पी है, वो लोग सबूत इकट्ठा कर सके कि उन्हें अलौकिक प्राणियों की मौजूदगी के सिद्धांत का कुछ अनुभव भी है और वो समर्थन कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि दुनिया में कितनी बार UFO यानी कि उड़न दस्तरी देखी गई है। वैसे तो एक फिल्म दिखाई गई थी जिसमें कि उड़न दस्तरी से एलियन आया और काफ़ी दिन वो यहाँ रहा और उसके पास कई तरीके के एनर्जी हैं, लेकिन वो सिर्फ फिल्मों में था। क्या हकीकत में वास्तव में उड़न दस्तरी में एलियन ऐसे ही होते हैं? आइए जानते हैं कि आज के दिन कौन कौन से उड़न दस्तरी हैं जिन्हें कहा जाता है कि वो अर्थ यानी पृथ्वी पर आई हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको आज के दिन बताने वाली हूँ। ये दिवस इनके महत्व को इंगित करता है। तो कुछ ऐसी उड़न दस्तरी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो पृथ्वी पर आई हैं विश्व UFO दिवस 24 जून को और कुछ अन्य लोगों द्वारा 2 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। 24 जून को एविएटर केनेथ आर्नोल्ड ने अमेरिका में एक UFO देखा था। आर्नोल्ड ने UFO को एक तस्तरी जैसा वस्तु या एक बड़े फ्लैट डिस्क डिवाइस के रूप में वर्णित किया था। यह एक ऐसा डिज़ाइन जो दशकों से UFO के लिए उपयोग किया जाता है। वही 2 जुलाई के पीछे ये दिवस मनाने का उद्देश्य है 1947 को UFO न्यू मैक्सिको के रोजवेल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, यानी कि उड़न दस्तरी दुर्घटनाग्रस्त हुई पाई गई थी। ऐसा कहा गया था कि 1947 में रोजवेल में UFO तब दुर्घटनाग्रस्त हुआ जब अमेरिकी वायुसेना एक शीर्ष गुप्त परियोजना को अंजाम दे रही थी। दुर्घटना के एक गवाह विलियम ब्रेजल ने बताया कि UFO का मलबा रबर स्ट्रिप्स और टिन फोइल से बना हुआ था। इस दिन को मनाने के बहुत सारे तरीके हैं। UFO की तलाश के लिए पूर्ण UFO दिवस संगठन लोगों को बाहर आकर सितारे देखने के लिए प्रेरित करता है और सबसे पहले उड़न दस्तरी यानी UFO 1561 में जर्मनी के नूरेमबर्ग में देखी गई थी। लोगों ने आसमान में बड़े ग्लोब्स, विशाल का क्रॉस और अजीबोगरीब फ्लैट जैसी चीज़ें देखने का दावा किया था। उस समय चित्रों और लकड़ी की कटिंग से उसे घटना की जानकारी मिल रही थी। 1897 में टेक्सास में UFO नजर आया। लोगों ने सिगार के आकार की कोई बड़ी चीज़ देखी जो कथित तौर पर विंड मिल से जा टकराई। टेक्सास हिस्टोरिकल कमीशन को एक संकेत मिला जिसमें इस बात का जिक्र किया गया कि 1897 में एक दुर्घटनाग्रस्त विमान जिसके मलबे से एक एलियन के शव को भी बाहर निकाला गया और किसी अनजान जगह दफना भी दिया गया। 1947 में UFO एक शख्स को रॉसवेल में क्रैश हुए प्लेन जैसी चीज़ का मलबा मिला। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें साफ लग रहा था कि यह स्पेसक्राफ्ट किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ है। हालांकि एयरफोर्स ने 1994 में अपनी रिपोर्ट में कहा कि मलबा प्रयोग में लाए जा रहे सर्विस लांस बैलून्स का था। जो एलियन के शव बताए जा रहे थे वो वास्तव में डमीज थे। हालांकि कुछ लोग यह भी बताते हैं कि सरकार एलियन के धरती पर आने इस घटना को छुपाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने कुछ भी कहानी बता दी। उधर अमेरिका में 24 जून 1947 को एक प्राइवेट विमान के पायलट ने आसमान में उड़ती हुई अज्ञात चीज को देखे जाने का दावा किया। उसने इस घटना को माउंट रेनर के करीब हुई पाया। इस घटना की रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित किया। इस घटना के 2 सप्ताह के भीतर ही ऐसी कई अज्ञात चीज़ें आसमान में उड़ते हुए देखे जाने का दावा किया गया, इसलिए यह घटना और भी बड़ी हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद UFO देखे जाने की घटना को आधुनिक युग की शुरुआत होने के साथ जोड़ा गया था। 1951 में नई दिल्ली में UFO देखा गया था।
एक फ्लाइंग क्लब में 25 सदस्यों ने सिगार के आकार की कोई चीज़ देखी थी जो करीब 100 फुट लंबी थी। यूएफओ अचानक कुछ देर बाद आंखों से ओझल हो गया। यह घटना वर्ष 1951 में 15 मार्च सुबह 10 बजे की बताई गई। 1952 में वाशिंगटन डीसी अमेरिका के वाशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट एंड्रयू एयर फोर्स बेस के रेडार पर कोई अजीबोगरीब चीज़ों के होने के संकेत मिले। इस साल प्रोजेक्ट ब्लू बुक लॉन्च किया गया था जिससे आसमान में संभावित खतरे के बारे में जानकारी जुटाकर उसका विश्लेषण किया जा सके। हालांकि बाद में इस घटना को तापमान बढ़ने से जोड़ा गया था। तर्क दिया गया था कि गर्म हवा कभी कभी ऐसी सीलिंग तैयार करती है जिससे रेडार प्रभावित हो जाते हैं और ऐसी टेलीफोन के खंभे जैसी चीज़ें हवा में हज़ारों फुट ऊपर डेढ़ होने लगती हैं। 2006 में शिकागो की घटना ओहारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गेट C-17 के ऊपर एक विचित्र उद्धरण तस्तरी जैसी चीज़ दिखाई दी। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वो इस बात से परेशान थे कि ना तो सरकार और ना ही यूनाइटेड एयरलाइंस की ओर से इस घटना का जायजा लिया गया। जनवरी में 2008 में टैक्सस में दर्जन लोगों ने आसमान में एक बड़ी और चमकीली चीज़ को उड़ते हुए देखा, लेकिन इसे भी सरकारी सूत्रों ने नकार दिया। पास मौजूद सेना के बेस कैंप ने किसी भी घटना की जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया। 19 अक्टूबर 2008 को पूर्वी कोलकाता में तड़के 3:30 से 6:30 के बीच आसमान में एक ऐसी बड़ी चीज़ जाती हुई दिखी जिसे हैंडीकैम से फिल्माया गया। अजीबोगरीब चीज कई रंग निकलते दिखाई दे रहे हैं। कई लोग इसे यूएफओ की एक झलक पाने के लिए ईएम बाईपास पर सैकड़ों लोगों ने भीड़ जमा कर ली थी। बाद में मीडिया में भी इस वीडियो को दिखाया गया था, हालांकि इस वीडियो में साफ साफ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। चेन्नई और लद्दाख में 20 जून 2013 को कुछ लोगों ने रात करीब 8:55 दक्षिण से उत्तर की तरफ जाते हुए चमकदार चीज़ को देखा था। स्थानीय अखबार में भी खबर छपी थी कि 4 अगस्त को भारतीय सेना के जवानों ने लद्दाख में अज्ञात चीज़ों को आसमान में देखा था, लेकिन इस घटनाओं को लेकर कुछ भी साफ नहीं पता चल पाया था। माना गया था कि ये एलियन के यूएफओ विमान हो सकते हैं। यरूशलम में 2011 में यानी कि जनवरी 2011 में डोम ऑफ रॉक के ऊपर एक चमकीली चीज़ दिखाई दी थी। इस घटना से कुछ भी साफ नहीं पता चला था क्योंकि चमक इतनी ज़्यादा तेज थी कि विमान की आकृति समझ ही नहीं आ रही थी। इसे स्थानीय मीडिया ने यूएफओ बताया था। तो यूएफओ एलियंस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि इनकी पुष्टि अभी तक किसी ने नहीं की। लेकिन आसमान पे इन विचित्र विमानों या विचित्र घटनाओं को देखकर लोग यूएफओ यानी कि उड़न तस्तरी का अंदाज़ा लगाते हैं और ये भी अंदाज़ा लगाते हैं कि इस यूनिवर्स में कहीं कुछ और भी लोग हैं जिनका जीवन है और वो कभी न कभी गलती से या घटना दुर्घटनावश इस अर्थ पर दिखाई पड़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आज के दिन यानी यूएफओ डे की ये वीडियो उड़न तस्तरी के बारे में ये जानकारी शायद आपको इसके पहले नहीं मिली होगी। अगर मिली है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं मिली तो इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।